थोड़ा पानी लेकर आना। आज फिर से रक्तदान करके आ गई। कितनी बार समझाया है तुम्हें, अगर रक्तदान करने का इतना ही शौक है तो साल में एक बार रक्तदान कर दिया करो, पर 3 महीने में रक्तदान करने की क्या जरूरत है? देखो गुस्सा मत करो, मेरा रक्त बहुत दुर्लभ है। अरे आज इस रक्त की जरूरत किसी गैर को है तो क्या, कल किसी अपने को भी तो पड़ सकती है। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, जमाना बदल गया है, कर भला तो हो भला जैसी कहावतें केवल यादें बनके रह गई हैं। हे भगवान आप ही समझो इसे। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टर ने कहा है कि राष्ट्र से कोई काम ना करवाए, कोई भी जरूरत हो तो तुरंत अस्पताल ले आए। अरे राष्ट्र क्या हुआ, उठो उठो, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। डॉक्टर साहब राजश्री की हालत कैसी है? घबराइए मत, माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब आखिर हुआ क्या था? शरीर में खून की कमी से यह सब हुआ था, परंतु आपको मुझसे ज्यादा उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसके समय पर रक्त देने के कारण ही आज इनकी जान बची है। क्या हम उस आदमी से मिल सकते हैं? मिलना तो मैं भी उस व्यक्ति से चाहता था, परंतु वह अपना नाम और पहचान बताए बिना ही यहाँ से चला गया। अब तो हम केवल उसका धन्यवाद ही कर सकते हैं। माँ विश्वास नहीं होता, इस संसार में आज भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं। सही कहा बेटा, लाखों में एक होगा वो इंसान। एक बात कहूँ माँ, हम भी अपने बेटे को ऐसे ही लाखों में एक बनाएंगे। जरूर कहो जरूर, उस इंसान ने हमारे पता चल जाएगा। आज थोड़ी थकान सी लग रही है। पता नहीं तुमको कब अकल आएगी, दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। रुको बस करो। अरे क्या आपको उठिए, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ कोई। आपके पति की जान बचाई। धन्यवाद बेटा।
लोगों के कष्ट मिटाए हैं तो आप एक बहुत धनी इंसान हैं। धन्यवाद।